अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इंसानों की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर यही होगा, कार्स, जिससे रोजमर्रे की जिंदगी काफी आसान हो। इसके अलावा एरोप्लेन, जिसे दुनिया में किसी भी कोने में हम आसानी से जा सके। लाइट की इन्वेंशन, जिससे रोशनी अच्छी मिल सके। और ऐसे बहुत से इन्वेंशन है जिससे ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेवल सब आसान हो सके, जो ऑब्वियसली एक एक्सीलेंट चॉइस भी है। और हम डेली इसी टॉपिक पे मोस्टली बात करते रहते हैं। पर गाइस, दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमने इस चीज को भुला दिया, पैसा, जो हर लोगों की नीड होती है। एंड मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। आई थिंक मुझे यहाँ पे इन्वेंशन बोलना भी गलत होगा, इट्स अ इनोवेशन। हमने मनी की इन्वेंशन शायद इसलिए भुला दिए क्योंकि पैसे लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, जिसे लोग इसे अर्न करने के लिए क्या कुछ तक नहीं किए। बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसका एक ही रीजन हो सकता है, इसका एक और रीजन भी है। आई थिंक मनी एक तरह का आइडिया था, एक इल्यूजन जिसकी वैल्यू नॉन एग्जिस्टेंस थी, और इसलिए इसकी डिटरमिनेंस सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस से है। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट मनी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस बन गया, हिस्ट्री क्या कहती है, इसके अलावा एक इल्यूजन कैसे इतना बड़ा इन्वेंशन बन जाता है। गाइज, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक डेफिनेटली बने रहें। इसके साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मनी के इन्वेंशन से पहले वी ऑल नोज कि बार्टर सिस्टम चलता था। दैट मींस अगर आपको कोई सामान चाहिए तो उसके बदले में आपको सामान ही एक्सचेंज में देना होगा। ये एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, जिससे लोग वेजिटेबल्स के बदले कुछ और चीज दे सकते थे, फॉर एग्जाम्पल कैटल। इसके अलावा और भी डेली नीड आइटम भी ऐसे ही एक्सचेंजेज हुआ करते थे। बट इसमें एक गाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। सोच के देखिए कि कोई एक इंसान है जो सिर्फ टमाटर उगाता है, एंड वी ऑल नो दैट टमाटर एक सीजनेबल वेजिटेबल है, जो ऑब्वियसली पूरे साल तक नहीं उगा सकता। इसके अलावा उस फार्मर को स्टोरेज प्रॉब्लम भी डेफिनेटली होगी। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो टमाटर उगाता है तो एट द टाइम ही उस सारे टमाटर को एक्सचेंज करके उसे कोई और वैल्यूएबल आइटम लेना होगा, जिससे वो एक साल तक स्टोरेज कर सके। बट ऐसा वो क्या ले जिससे वो आसानी से स्टोर भी कर सके, उसकी सामान खराब भी ना हो और वो ऑल टाइम ट्रेड कर सके। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, दैट एक्सचेंजेस नेगोशिएशन, जैसे कि वो फार्मर अपने पूरे टमाटर को किसी एक आइटम के लिए नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके पास बिजनेस के लिए बस एक ही ऑप्शन है जिससे वो खरीद बेच कर सकता है। तो क्या वो टमाटर से हर वैल्यूएबल आइटम को ले सकता है? क्या वो एक्सचेंजेस नेगोशिएशन पे आ सकता है? कैसे ये सारी चीजें वर्क करेंगी, इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक शॉर्ट सोल्यूशन जरूर था, जिससे लोग चाहे तो कुछ ऐसे आइटम खरीद कर रख सकते थे जिसे वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल वेपन, शॉल, नील एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आइटम लॉन्ग टाइम तक इजिली प्रिजर्व किए जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली निगोशिएशन प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर आती थी। एंड एज अ रिजल्ट 770 BC में दुनिया को पहला मेटल कॉइल मिला, जिसे चाइना ने क्रिएट किया। ये सर्कुलर शेप में होता था, जो इजिली कैरी किया जा सकता था। एंड गाइज, यही वो टाइम था जहां से मनी की इन्वेंशन होती है। उसके बाद देखिए तो चाइना इस मेटल कॉइन को कन्वर्ट करके ब्रॉन्ज में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और ये कॉइन चाइनीज लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करती है। एंड गाइज, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उस टाइम मनी कोई इल्यूजन नहीं था, यहाँ पे उस कॉइन की एक सिमिलर वैल्यू थी, दैट वो कॉइन ब्रॉन्ज का बना हुआ है या फिर वो कॉइन गोल्ड या फिर सिल्वर का है। एट दैट टाइम देखे तो कॉइन की वैल्यू डिटरमाइन हुई थी दैट कॉइन किस मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉइन 1 ग्राम गोल्ड का है तो उसका वर्थ भी 1 ग्राम गोल्ड का ही होगा। एंड तब देखे तो रूलर्स को भी ये बात समझ में आने लगी दैट मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है। दुनिया भर के रूलर्स ने ये रियलाइज किया दैट जितना ज्यादा प्रीशियस मेटल उनके पास होगी, उतना ही ज्यादा पावर उनके कंट्रोल में होगा। एंड सो 600 BC में एलाइड किंग्स ऑफ लाइडिया, उन्होंने पहला ऑफिशियल मनी मिंट क्रिएट किया। उन्होंने कॉइन्स को सिल्वर और गोल्ड के मिक्सर से बनाया और अपनी स्टैंप उस कॉइन पे लगा दी फॉर डिनोमिनेशन, और यहाँ से लोगों को काफी हेल्प मिलती है। अब लोग आसानी से मेटल की वैल्यू यहाँ से लगा सकते थे किसी भी चीज के एक्सचेंज के लिए, सिंपली बाय लुकिंग द पीस ऑफ हिज कॉइन फेस। बट दुनिया में जितने भी किंग और क्वीन थे, उन्हें ज्यादा अमाउंट में मनी चाहिए थी, और गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल काफी प्रीशियस मेटल थे, और इसलिए ज्यादा मनी प्रोड्यूस करने के लिए दे स्टार्टेड सिम्बलिंग डाउन द कॉइन। उन्होंने एक्सपेंसिव मेटल के साथ चीपर मेटल को भी मिक्स करने लगे, और यहाँ से जो कॉइन सर्कुलेशन में आए उनका वर्थ भी कम होने लगी। कॉइन की वैल्यू यहाँ से ज्यादा लॉन्गर डिटरमाइंड नहीं होने लगा। अब लोग कॉइन की वैल्यू इससे नहीं लगाते थे कि दैट वो मेटल किस चीज का बना है, बल्कि इससे लगाने लगे कि रूलर उस कॉइन की वैल्यू क्या सेट करता है। और गाइज, यही वो टाइम था जहां से मनी की इल्यूजन शुरू होती है। एक रियल वैल्यू पे नहीं, एक ऐसे वैल्यू पे हम डिटरमाइंड कर जाते हैं जिनकी वैल्यू रूलर्स ने
सेट की थी। उसके बाद देखे तो फिर टाइम आता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग का, जब लोग एक देश से दूसरे जगह जाकर के ट्रेड करना पसंद करने लगे। एंड तब लोगों ने यहाँ पे ये रियलाइज किया कि मेटल के जो भी कॉइन्स होते थे उनको कैरी आउट करना काफी हैवी होता था, और फिर रूलर ने अपना यहाँ पे दिमाग लगाया और उन्होंने एक IOU सर्टिफिकेट इशू करना शुरू करा जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग हो सके, क्योंकि इन पीस ऑफ पेपर पे किंग के स्टाम्प थे तो लोग इस पेपर की वैल्यू पे भी ट्रस्ट किए और उन्होंने इस बात पे बिलीव किया दैट ये पेपर कॉइन लेने में भी काफी हेल्प कर सकता है। उसके बाद और भी ज्यादा IOU सर्टिफिकेट मार्केट में आए तो लोगों को कॉइन्स की जरूरत कम महसूस हुई और पेपर की बिलीवेंस ज्यादा बढ़ गई, और ये पीस ऑफ पेपर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि लोगों ने फिजिकल गोल्ड और सिल्वर भी एक्सचेंज नहीं करते थे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट ऑफ किंग्स एंड रूलर। और उसके बाद फ्रॉम एंशिएंट किंग टू मॉडर्न डे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक मनी आज भी एक इल्यूजन है। उसके बाद आता है हमारा टाइम जहां पे बैंक नोट सर्कुलेशन में आया जिसे लोगों ने वैल्यूएबल माना और आप इससे कोई भी वैल्यूएबल आइटम या फिर नेसेसरी आइटम खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक होम, वेजिटेबल, आल्सो मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। एंड ऐसे ही गाइज मनी का इन्वेंशन हुआ और ये मनी एक इल्यूजन के रूप में हमारे सामने कन्वर्ट होके आया। अब आप सोचिए गाइज कि दैट इस पेपर मनी की वैल्यू हम इतना क्यों करते हैं और इस इल्यूजन को हम इतना क्यों मानते हैं, आप अपने रीजंस कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में गाइज वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ में गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ये आपके लिए तो एक छोटी बात है बट मेरे लिए काफी वैल्यू रखती है। रेस्पेंस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।